सोड़ी कैसा पोपट रहा हूँ या 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 ओ डॉक्टर हाथी क्या बात है अरे अय्यर भाई आप अकेले आए बबीता जी कहाँ हैं क्यों वो यहाँ पर क्यों आएगी मतलब आप दोनों साथ में गए थे ना शॉपिंग में तो आप अकेले ही वापस आ गए जेठा लाल हम शॉपिंग साथ गए थे और साथ ही आए हैं वो उधर लेडीज लोगों के साथ बैठी है वो तो ठीक है अय्यर साहब लेकिन आपके मिजाज इतने उखड़े उखड़े क्यों नजर आ रहे हैं छोड़ा ना मेहता साहब अरे छोड़िए मतलब क्या बताइए तो बात क्या हुई है हाँ क्या हुआ मैं और बबीता शॉपिंग करने गए बोलो अब क्या बोलने का बबीता को कुछ भी बोलो गलती है अय्यर भाई तुम्हारी है चलो चलो आओ सॉरी बोलो बबीता जी को चलो अरे जाड़ा लाल मैं क्यों सॉरी बोलेगा मैंने क्या गलती की है अब मुझे जो भी चीज पसंद आती थी बबीता उसको रिजेक्ट कर देती थी मतलब इन दोनों की पसंद मिलती ही नहीं है आप भी हद करते हो यार अय्यर साहब अरे बीवी के साथ पूरे दिन मार्केट में घूम रहे और शॉपिंग नहीं करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा अरे उसका दिल रखने के लिए कुछ खरीद लेते अरे मेहता साहब कैसी बात कर रहे हो आप जो चीज पसंद नहीं है उसको कैसे ले सकते हैं बाद में वही चीज घर में कोने में पड़ी रहती है जैसे अय्यर भाई जेठा लाल क्या मतलब मतलब जैसे अय्यर भाई अड़े हुए जिद्दी बराबर बोला मेहता साहब ने अरे भाई बबीता जी का दिल रखने के लिए भले अपने को नहीं पसंद है कुछ ना कुछ ऐसा ले लेने का भाई मेरा घर में तो आधी से ज्यादा चीज ऐसे ही पड़ी है तो कौन मगजमारी करेगा ले लो बोल देता हूँ मैं तो सही बात है हाँ भाई एकदम सही बात है अय्यर गलती तुम्हारी ही है अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद अरे तूने तो शादी की नहीं है पोपट इसलिए तेरे को पता नहीं है कि शादी के बाद होता क्या है पोपट लाल तुमको मालूम नहीं है ये लेडीज हमेशा कंफ्यूज रहती है इसीलिए गलत चीज सिलेक्ट कर लेती है और उसका दोष हम लोगों के ऊपर मढ़ देती है दुनिया में एक भी वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना पाया जो औरतों के इस जटिल दिमाग को समझ सके हम मर्द क्या खाक समझेंगे हमेशा परेशान रहते हैं और उनको तो सिर्फ झगड़ने का मौका चाहिए बिल्कुल बराबर अरे मम्मी आंटी आप सब गार्डन में जाकर सुनिए अंकल लोग आप सबकी कितनी बुराइयां कर रहे हैं क्या अच्छा तो वो लोग वहाँ पे हमारी बुराई कर रहे हैं चलो जाकर देखते हैं सही बात है अरे अभी अभी बाकायदा रिसर्च भी हुआ है जिससे पता चला कि सबसे ज्यादा अकड़ू और झगड़ालू औरतें ही होती हाँ सही बात है अरे आपकी बात तो सही है डॉक्टर आती लेकिन इनकी बातें सुन लो औरतों के पास कुछ बातें फिक्स है दिन भर वही करती है तुम में तो अकेली नहीं है ना। मैं नहीं होती तो तुम्हारा होता क्या अरे मुझसे शादी नहीं होती तो कुंवारे डोल रहे होते अरे मैं चली जाऊंगी तब पता चलेगा कि जीवन साथी होता क्या है दिन भर सुनो ये बातें सेम सेम टू सेम डायलॉग सारी दुनिया की औरतें यही बोलती है पोपट तो सुन क्या रहा है ये सारी बातें जो मेहता साहब ने बोली है ना गांठ बांध के रख ले और शादी होने के बाद ये सारे अनुभव तेरे काम आएंगे सही बात है बराबर भाई आप लोगों की बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए सुखी रहेगा डर गए पोपट लाल तूने अभी हम शादीशुदा लोगों की ट्रेजेडी सुनी कहाँ है मुझे सुननी भी नहीं है पोपट लाल वाइफ घर में सुनती नहीं है कम से कम तुम तो सुन लो अरे अय्यर साहब बीवी को अगर अपनी बात सुनानी हो ना तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया इलाज है नींद पे बोलना शुरू कर दो बड़ास निकल जाएगी दिल की ऐसा लगेगा कि तुमने भी बोल दिया और उसने भी सुन दिया कोई फायदा नहीं है मेहता साहब
ये औरतें होती है ना, वो सिर्फ अपनी मतलब की और अपनी काम की ही बातें सुनती है। अब जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे जमाने में, या भाई अभी तुम्हारा जमाने इधर चालू मत करना प्लीज। बस ऐसे ही बोल के माधवी मेरी बात काट देती है। वो तो बराबर करते हैं माधवी भाभी। यार मेरी रोशन का भी यही प्रॉब्लम है। ओ, मैं जब भी पार्टी शाड़ी की बात करता हूँ ना, उसका तो हॉर्न बजना ही शुरू हो जाता है। कुछ सुनती नहीं है यार, बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है, रुकती नहीं है। सही बात है, सही बात ही बात है। अरे भाई इनसे बहस में जितना मतलब, और बिजली के बल्ब को ऐसा फूंक मार के बुझाने जैसे है। मेरे दया भी दिखती है कबूतर जैसी भोले भाले, लेकिन कौवे की चोंच ऐसे पर्स में छुपा के रखती है। मौका मिलते ही चोंच पहन के करती हो। सही कह रहे हो जेठालाल, औरतों के इन बदलते रूप को भगवान भी नहीं समझ पाया। किसी ने बिल्कुल सही बात कही है। बोलिए। भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई बहुत फुर्सत से, फिर थोड़े दिन आराम किया, फिर भगवान ने हम मर्दों को बनाया, फिर थोड़े दिन और आराम किया, फिर भगवान ने बनाई औरतें, उसके बाद ना भगवान ने आराम किया ना हम मर्दों ने। सही बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत पुराना जोक है ना, बहुत सुना है। अरे कितना ही पुराना, और रहता हमेशा सच यही है।